दो दिन की क्लास मैं अपलोड नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल ऑफ ईद, ईद के त्यौहार की वजह से। अब हमारी ये ग्रामर प्रैक्टिस डे 4 की क्लास है, इसके बाद में एक प्रैक्टिस जो हम वोकेबलरी की कर रहे हैं वो भी अपलोड की जाएगी। फिलहाल आप इसे एंजॉय करें। क्वेश्चन नंबर पहला है, देयर इज नो पॉइंट ब्लैंक फॉर हिम। अभी मैंने पिछली क्लास में आपको ये कराया होगा नो यूज, इसी ग्रामर क्लास में, और आंसर आईएनजी में आया होगा डायरेक्ट। तो उसका फॉर्मूला ये होता, इट इज नो यूज, यहाँ पे वाज होगा तो पास्ट में हो जाएगा, बाकी सब सेम रहता, और मीनिंग होता है कोई फायदा नहीं है ये काम करने का, अब कोई लाभ नहीं है। तो इट इज नो यूज डायरेक्ट जीरंड, इट वाज नो यूज और जीरंड, ठीक सेम ऐसे ही ये होता, बस इसमें फर्क ये है इसमें इट मिलेगा आपको और इसमें मिलेगा देयर, सारी बातें सेम है। इज नो पॉइंट और डायरेक्ट आईएनजी आएगी, आंसर रहेगा वेटिंग, यानी कि यहां देयर इज नो पॉइंट वेटिंग फॉर हिम, मतलब उसका इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है, ये इसका मतलब बन जाएगा। तो पहले का आंसर, दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास में बी नो पॉइंट और आईएनजी सब्जेक्ट, इसका देयर होगा, इसका इट होता। मैं चाह रहा हूं कि इस एक्सरसाइज में जो मैं कराता हूं एक दो क्वेश्चन नए मिले आपको, बाकी जो पहले से ग्रामर पढ़ते हैं वो बस अपनी प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दिस प्लेस इज वर्द, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कहलायक। इसके बाद कीमत भी बता सकते हैं आप, वर्द रेस 2000 रुपीज, 2000 रुपये की कीमत है। लेकिन अगर आपको इसके बाद में मेन वर्ब लगानी है तो आप ये बात ध्यान रखेंगे, इसके बाद तुरंत जीरंड आता है बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, यानी कि इसका आंसर भी ये रहेगा, इसमें ये गलत, इसमें ये और ये गलत, इसमें ये गलत। आंसर तीसरा हिंदी, ये जगह देखने लायक है, यहाँ आना जाना रहना चाहिए, इसके लायक है ये। तो ये आंसर है वर्ड प्लस आईएनजी, आंसर होता, कोई प्रीपोजिशन नहीं आती। क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा दोनों को ध्यान से देखो आप, इसमें भी इंगेज्ड, इसमें भी इंगेज्ड, लेकिन इसका आंसर इन और इसका आंसर टू, ऐसा क्यों हुआ देखें आप। ही इज इंगेज्ड इन दिस प्रोजेक्ट, अगर एक व्यक्ति किसी काम में इंगेज्ड हो तो वहां इंगेज्ड का मीनिंग होता है बिजी, वो बिजी है उस काम में, तो प्रीपोजिशन इन लगाएंगे आप। लेकिन जब एक लड़का या लड़की किसी दूसरे लड़के या लड़की से इंगेज्ड हो तब इसका मीनिंग बिजी नहीं बल्कि वो उसके साथ मंगेतर बन चुका है या बन चुकी है, तो ऐसे केस में फिर हम टू लगाते हैं। तो जब किसी काम में व्यस्त होंगे तो इन, इंगेज्ड इन, और जब किसी के साथ इंगेज हो चुके हैं तो टू आएगा, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर पांचवा भी बहुत बढ़िया है, हिज प्रोग्रेस वाज, ये पजेसिव एडजेक्टिव, ये नाउन। मैं इतना जानना चाहता हूं क्या इसमें कोई मेन वर्ब है, अभी तक ऊपर नहीं है ना। और ध्यान रखना, जब हमें इस तरीके का फॉर्मूला मिलता है तो हम इसकी विशेषता बताते हैं, जो ये है हमारा और ये है नाउन, तो नाउन की विशेषता बताने के लिए ऐसे आंसर लगाना आप कभी, अब अगर आपको ऐसा क्वेश्चन सामने आए तो ध्यान रखें, इस नाउन के लिए चाहे यहाँ पे ही होता, ही वाज, शी वाज, राम इज, इस टाइप से, सबसे पहले आप अपने दिमाग में एडजेक्टिव लाएंगे, एडजेक्टिव लाएंगे सबसे पहले अपने दिमाग में। अब इस एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब लगा सकते हैं आप, ये तरीका होता, इसे पलट नहीं सकते आप, ऐसा नहीं कर सकते एडजेक्टिव वहां एडवर्ब वहां, क्यों, ऐसे भी आंसर आ सकता है हमारा, यानी कि हिज प्रोग्रेस वाज स्लो, इतना काफी है, हिज प्रोग्रेस वाज फास्ट, इतना भी काफी है। लेकिन अगर आपको इसकी भी विशेषता बतानी है तो एडवर्ब लगाएंगे, ये फॉर्मूला होना चाहिए। एक बार फिर से देखो आप, ये सेंटेंस है मेरे पास, आंसर लगाना है मुझे, तो हिज प्रोग्रेस वाज और ब्लैंक, यहां आंसर एडजेक्टिव चाहिए पहले मुझे, क्योंकि ये नाउन है इसके लिए एडजेक्टिव आएगा, तो एडजेक्टिव सोच लिया मैंने, अब इसके पहले एडवर्ब आएगी, ये आंसर ढूंढना आपको कहां पे है। तो बच्चों ये एडजेक्टिव गलत हो गया, ये एडवर्ब गलत हो गया, ये एडजेक्टिव होना चाहिए था, ये एडजेक्टिव, ये एडवर्ब आंसर है,
और ये एडवर्ब ये एडजेक्टिव ये उल्टा हो गया क्योंकि एडजेक्टिव एडवर्ब की विशेषता नहीं बताएगा, आंसर रहेगा ये वाला। उसकी जो प्रगति थी, जो उसने विकास किया है, वो वास्तव में धीमा था। बाकी बातें आपसे अगली वीडियो में होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपने आंसर जरूर दिया करें कमेंट में, कितने सही कितने गलत, या कुछ और अगर आपकी डिमांड है तो वो बताएं। कमेंट करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है कि बच्चे वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।